ଆହୁରି ଦେଶରେ ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି କରୋନା। ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ମାମଲା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 8329 ନୂଆ କରୋନା ମାମଲା ଆସିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର 4216 ଲୋକ କରୋନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। संक्रमण जोगु 10 जनकर मृत्यु होइला। देशरे 103 दिन परे गोटिए दिन रे 8000 रु अधिक नूतन कोविड 19 रोगी आक्रांत सहित मोट संक्रमण मामला 43,21,343 रे पहुंचीथिबा बेले सक्रिय रोगींको संख्या 40,370 को वृद्धि पाइछि। देशर मोट सक्रिय कोरोना मामला संख्या हेउछि 40,370। एहा पूर्वरु शुक्रवार दिन 8,263 नूतन संक्रमित होइथिबा जणा पडिछि। गुरुवार दिन देशरे 7,584 रोगी रिपोर्ट करछन्ति। मंगलवार जून 7 रे प्रकाशित तथ्य अनुसार 24 घंटा मध्यरे 3,714 टी कोरोना संक्रमण होइथिबा रिपोर्ट होछि। रविवार जून 5 रे देशरे 4,270 कोविड मामला पंजीकृत होइथिला एवं सोमवार जून 6 रे एही संख्या 4,518 को वृद्धि पाइथिला। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार गत 24 घंटा मध्य मोट 8,329 टी कोरोना रोगी पंजीकृत होइथिबा बेले अधिक 10 जन रोगी मृत्यु होइछि। मृत्यु संख्या 5,24,757 को वृद्धि पाइछि। सक्रिय रोगी संख्या समुदाय संक्रमण 0.09% होइथिबा बेले कोविड 19 नु भल होइथिबा जातीय हार 98.69% रेकर्ड करा जाइछि। तथ्य अनुसार गत 24 घंटा मध्य कोविड 19 रो सक्रिय रोगी संख्या 4,103 मामला वृद्धि होइछि। संक्रमण रो दैनिक हार 2.41% एवं साप्ताहिक संक्रमण हार 1.75% रेकर्ड करा जाइथिला। एही रोग रु मुक्ति पाइथिबा रोगी संख्या 4,24,48,308 को वृद्धि पाइथिबा बेले मृत्यु हार 1.21% रहिछि। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान अधीन ए पर्यंत 192.92 कोटी डोज दिया जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट मेघा टीवी।